सागर में आम आदमी पार्टी के द्वारा ओबीसी वर्ग के छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के साथ आप पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंप कर शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोल उन्हें ओबीसी और एससी एसटी विरोधी करार दिया। वो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से होने वाली परेशानी से प्रभावित छात्रों के हितों के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर संगठन के बैनर तले अपनी मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे छात्राओं में भी समय से छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं उपलब्ध कराए जाने होने वाली कठिनाई और परेशानी पर सरकार के प्रति खासा आक्रोश भी देखा गया, जिसको लेकर खुलकर सभी ने मामा शिवराज सिंह को आईना दिखाकर खूब खरी खोटी भी सुनाई। आप पार्टी के द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता और छात्र शामिल रहे। छात्रवृत्ति के लिए ज्ञापन देने आए थे, इसका कारण ये है कि साल भर से पूरा लास्ट पेपर था हम लोग का, जो कि अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, अभी तक आ जानी चाहिए थी। स्कॉलरशिप ना आने के कारण हम लोग ना को इशू करा पाते हैं और उसमें लाइब्रेरी में हम लोग को ओबीसी वालों को बुक्स नहीं मिलती हैं, जिससे हम लोग को खुद खरीदनी होती है। अब सर स्कॉलरशिप आएगी, हम लोग तभी तो बुक्स लेंगे। अब सर जब स्कॉलरशिप भी नहीं आई, ना हम लोग बुक्स ले पा रहे, ना डेली कॉलेज आ पा रहे, महीने में 2-4 बार कॉलेज जाने के लिए ही हो पाता है। सर इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग तो करते नहीं है कि 24 घंटे जब जाना है 30 दिन कॉलेज जाओ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी फैमिली। सर इसके लिए हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे, खुद का खुद कर रहे, हम लोग कोचिंग पढ़ाएं या फिर कॉलेज जाएं, या खुद की पढ़ाई करें या फिर दूसरों को पढ़ाएं। क्या क्या लग रहा है, क्यों आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आ पाई? सर आप हम ये नहीं बता सकते क्यों नहीं आई है। सर सरकार को पता होगा कि हमारी स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण है इसका? इतना बजट नहीं बचा है कि हम लोग की स्कॉलरशिप दे सके, 2-2 साल की स्कॉलरशिप रुकी है, क्या कारण है इसका? अभी लाडली बहना में दिया जा रहा है 1,000 रुपए, तो आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है? तो सबको देने के लिए पैसा है, पर मेन तो क्या है, एजुकेशन पर्पस। जब एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो सबके लिए मतलब उनका घरेलू कार्य के लिए सब कुछ पैसे देने के लिए है, पर जो पढ़ाई जो मेन है वो नहीं दे पाएंगे। क्यों, हम लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे कल के लिए वोट नहीं देंगे, ये सब समझने लगे, इसलिए नहीं स्कॉलरशिप डाल रहे। क्या प्रॉब्लम है? किस कॉलेज से आप? हम आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से। छात्रवृत्ति के लिए आए थे। सर ऐसा होता है कि हम लोगों से जो स्कूल मतलब कॉलेज की जो फीस है वो हम लोगों से 8,000 भरवाई जाती है। जैसे अभी मैं हूँ तो मैंने खुद 8,000 रुपये फीस भरी, और हमारी स्कॉलरशिप आना कितनी है, मुश्किल से 10,000। सर 8,000 हमने खर्चा किए, 2,000 स्कॉलरशिप हमें आ भी गई जैसे, तो मानिए कि मतलब जैसे 2,000 स्कॉलरशिप आ गई तो वो हमारे लिए तो कॉलेज का आना जाना ही चला जाता है। सर 2,000 रुपये में ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग महीने भर कॉलेज आ जा सकें। सर एक बार का किराया हम लोगों का एक दिन का आने जाने का 80 रुपये पड़ता है। सर आप खुद जोड़ सकते हैं कि 2,000 रुपये हम लोगों को कितने दिन के लिए होगा। अभी जो शहर में सिटी बसें चलाई गई हैं, सिटी बस चलाई गई हैं, वो उपलब्ध नहीं है क्या? बहुत से नहीं जा सकती हैं आप? सर वो जैसे उपलब्ध वो करवा दी थी, हम लोग सर मकरोनिया से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बस मकरोनिया से, सर और भी छात्र छात्राएं हैं जो तो और जगह से आते हैं, कुछ गाँव से आ रहे हैं, कुछ कहीं से। सर गाँव में थोड़ी ना उपलब्ध। कितने समय से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? सर अभी तो हमारा ये प्रथम वर्ष था, कम से कम कहा जाए 1 साल से हमारे लिए छात्रवृत्ति नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? सर अगर इसके बाद भी हमारी छात्रवृत्ति नहीं होगी तो हम अगर जैसे मैं हूँ तो अभी चुनाव तो आ रही है, हम सबको यही सलाह देंगे, ना हम वोट देंगे बीजेपी को और ना हम किसी को देने देंगे, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में, हम उनसे यही कहेंगे कि अगर कोई सरकार आपके लिए छात्रवृत्ति नहीं दे सकती तो उस सरकार को वोट देके कोई फायदा। अभी जैसे लाडली बहना योजना निकाली है जिसमें वो 10 तारीख से 1,000 रुपये अपनी बहनों को देंगे, तो क्या मामा भांजी का ख्याल नहीं रख रहा क्या? सर वो मामा भांजियों का ख्याल रख रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सर सबसे मेन पर्पस है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते तो आप खुद बताइए, आजकल का जैसे जमाना है तो क्या है, गिव एंड टेक का। अगर आप हम लोगों को देंगे तो हम पलट के आप लोगों का अच्छा चाहेंगे, अगर आप हम लोगों की सुनाई नहीं करोगे तो हम लोग क्यों ऐसी सरकार लाना चाहेंगे। एक तरफ शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में लोक लुभावनी योजना लेकर आ रहे हैं लाडली बहना योजना, उनको अपनी बहनों की तो चिंता है, लेकिन जो भांजे भांजी हैं, जो बीएससी एमएससी बीए एमए कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। पूरा 1 साल हो गया ओबीसी के लोगों की छात्रवृत्ति शिवराज सरकार नहीं दे पाई। अपने आप को वो ओबीसी के नेता बोलते हैं, अपने आप को वो ओबीसी का मुख्यमंत्री बोलते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी हो, उन छात्र छात्राओं को बड़ी धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कौन सी राजनीति है? आप लाडली बहना नहीं जीजा योजना चलाओ, लेकिन कम से कम बच्चों की स्कॉलरशिप का तो ध्यान रखो। ये बेचारे बच्चे अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पाते हैं, इनके माँ बाप ने सूद पर पैसा लेकर इनकी पढ़ाई करवा रहे हैं,
और वो ब्याज के रूप में 10,000 रुपये मिलता है, वो 10,000 वो ब्याज के रूप में दे देते। तो मेरा कहना ये है शिवराज सरकार से कि आप भैया सबका ध्यान रख रहे हो, सबसे पहले इन बच्चों का जरूर ध्यान रखो। पूरा एक साल निकल गया है इनकी छात्रवृत्ति, इनका पोर्टल आज भी नहीं खुला, जबकि एक साल पहले पोर्टल खुल जाना चाहिए। पूरे बुंदेलखंड में लगभग 5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार रजिस्टर्ड है ये लोग कॉलेज में, जो अध्ययन लेते हैं, रजिस्टर्ड नहीं अध्ययन लेते हैं 5 लाख लोग। उसके बावजूद भी शिवराज सरकार को ये गलतफहमी हो गई है, यदि हमने इनकी छात्रवृत्ति दे दी और इनने किताबें खरीद ली तो ये पढ़ लिख जाएंगे और हमें वोट नहीं देंगे। तो ये उनको अनपढ़ बनाना चाह रहे हैं इनके लिए कि सिर्फ इनको डिग्री मिले, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बिल्कुल से बकवास है। अब इनके हक के अधिकारों को आप कैसे लड़ेंगे? हम इनकी आज से शुरुआत की है, आज हम लोगों ने धरना रैली निकाल कर यहाँ पर ज्ञापन दिया है, एक हफ्ते बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आम अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर। क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव, प्रदेश संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी सागर।